स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं उसका। पश्चिम बंगाल में ढांचाला पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के समय पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक नादिया के ढांचाला पुलिस स्टेशन के दत्तापुलिया इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा के कांटीले तार को पार करने के बाद शनिवार रात बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया है। उस समय चौकीदारी कर रहे पुलिस कर्मियों ने मामले को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि यह तीनों युवक बांग्लादेश के राजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए युवक में सैफुल शेख, अब्दुल रहीम और मोहम्मद हवालदार के तौर पर बताए गए हैं, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। ढांचाला पुलिस ने नाबालिग लड़के को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को रविवार को रानाघाट अनुमंडलीय अदालत ले जाया गया और अदालत ने उन्हें जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। तो आइए देखते हैं इस पर स्वराज संवाददाता प्रसन्नजीत की रिपोर्ट। ढांचाला थाना की पुलिस की तत्परता से तीन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। ढांचाला थाना के इस दौरान पूछताछ की दौरान पता चला वो तीनों बांग्लादेशी थे। इस गिरफ्तारी से कामयाब मिली पुलिस प्रशासन की। नदिया से प्रसन्नजीत विश्वास, स्वराज एक्सप्रेस। और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज़।